Hi, this is choreographer Mansi Aggarwal. And you are watching me on www.rjmala.com. With must RJ Mala. सात साल की उम्र में बच्चे को ये नहीं पता होता उसे क्या पहनना है, उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपने सात साल की उम्र में डिसाइड कर लिया कि आपको कथक सीखना है। ये वाकई आपने डिसाइड किया या पेरेंट्स ने डिसाइड किया? एक्चुअली मेरी मदर ने डिसाइड किया। तो मेरी मदर को खुद डांस का बहुत शौक था, तो जब उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा जब मैं 3 साल की थी तो उन्हें लगा कि इसको डांस सिखाना चाहिए। मतलब 3 साल की उम्र से आप परफॉर्म कर रही हैं? नहीं, मैं परफॉर्म नहीं कर रही थी एक्चुअली। वो बच्चे जो ऐसे थोड़ा सा डांस कर लेते हैं फैमिली फंक्शंस में, ओके, तो एक फैमिली फंक्शन था उसमें कुछ था और मैं रुकी नहीं स्टेज पर चढ़ के। तो मेरी मम्मी को लगा कि हाँ भाई डांस का शौक है तो डलवाना चाहिए, डांस प्रोफेशनली सिखाना चाहिए। तो उन्होंने कथक की ट्रेनिंग दिलवाने का सोचा। वाय कथक? कथक क्योंकि एक्चुअली नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस है तो उसमें कथक, पर उनका था कि कोई क्लासिकल डांस फॉर्म तो नॉर्थ में कथक ही है तो इसलिए ओके। तो फिर उन्होंने कथक सिखवाने का सोचा। तो 3 साल बहुत छोटी उम्र होती है कथक के लिए, तो गुरु ने बोला कि जब 7 साल की हो जाए तब से सिखवाइएगा। ओके, तो 7 साल की उम्र से फिर मैंने सीखना शुरू किया। ओके, मानसी हमने सुना है कि आपको सबसे पहले फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने स्पॉट किया एक परफॉर्मेंस के दौरान, और फिर उन्होंने आपको अपनी एक फिल्म ऑफर की एज अ कोरियोग्राफर। तो ये एक्चुअल स्टोरी क्या है और मतलब क्या हुआ था एग्जैक्टली? मैं हंसराज कॉलेज से हूँ और हंसराज कॉलेज का एलुमिनाई एसोसिएशन प्रोग्राम था। ओके, अनुराग कश्यप खुद हंसराज के हैं। अच्छा, हाँ, okay. तो वो एज अ गेस्ट थे और भी गेस्ट थे, शाइनी आहूजा और भी बहुत लोग थे। तो वहाँ पे वेलकम डांस जो था वो मैंने और मेरे स्टूडेंट्स ने कोरियोग्राफ करके तैयार कराया था। तो वो परफॉर्मेंस के बाद इमिजिएटली बाद जो एंकर थी उन्होंने बोला कि मानसी अनुराग कश्यप आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं गई हुई उनसे, वो सामने तब तक प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम के बीच में ही उन्होंने मुझे बुला लिया था। तो हम लोग बात उन्होंने शुरू करी, उन्होंने कहा कि ये कोरियोग्राफी आपकी थी? कहा हाँ जी। कहते हैं मुझे अपनी गुलाल फिल्म के लिए ऐसी कोरियोग्राफी चाहिए। ओके, तो क्योंकि गुलाल जयपुर बेस्ड फिल्म है, राजस्थान बेस्ड फिल्म है, और जब परफॉर्मेंस से पहले उन्होंने पूरा प्रोफाइल मेरा बताया था तो उसमें मैं जयपुर घराने से हूँ कथक के। अच्छा, तो उन्होंने वो सुना होगा तो उन्हें लगा कि उस तरह की इंट्रिकेसीज कोरियोग्राफी में आ सकती हैं। ओके, और कोरियोग्राफी उन्होंने देख ली थी तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही चाहिए मुझे। तो गुलाल का राणा जी गाना उन्होंने मुझे ऑफर किया। ओके, लेकिन शायद आपका पहला गाना जो सबसे पहले जो आया वो शायद देवडी का गाना था। हाँ, देवडी का गाना ढोल। हाँ, क्योंकि गुलाल के लिए मैं गई, रिहर्सल्स हुए, फिर गुलाल रुक गई, ये 2005 की बात है। अच्छा, और फिर 2008 में उनकी देवडी शुरू हुई पहले। अच्छा, तो गुलाल शुरू पहले हुई। हाँ, लेकिन देवडी पहले रिलीज हुई। हाँ, देवडी पहले रिलीज हुई। ओके, अनुराग कश्यप उस वक्त काफी दौर से गुजर रहे थे, उनकी ब्लैक फ्राइडे, 5, गुलाल, ये 3 फिल्में अटक गई थी। ओके, तो देवडी एक्चुअली उनकी पहली हिट फिल्म हुई और ब्लैक फ्राइडे से क्रिटिकल अक्लेम मिला, पर देवडी पहली हिट फिल्म थी। और उसके बाद 2008 में देवडी का भी गाना हुआ ढोल, और गुलाल भी लकीली 2008 में शुरू हुई, उसके 2 गाने ही बचे थे।
तो मैंने राणा जी और चकमक दोनों गाने 2008 में शूट किए, दोनों फिल्में 2009 में रिलीज हुई. ओके, लेकिन उन्होंने आपको पसंद किया गुलाल के हिसाब से, और देवडी का जो म्यूजिक था या देवडी में जिस तरह का एक नए तरीके का म्यूजिक इंट्रोड्यूस हो रहा था उस टाइम पे, उसके हिसाब से फिर उन्होंने कैसे डिसाइड किया कि देवडी के लिए भी चलो मानसी को ही बोलते हैं कोरियोग्राफी के लिए, क्या हुआ था? देवडी में एक ही गाना है ढोल, तो उसकी कोरियोग्राफी भी फोक टच में है. ओके ओके, तो इसीलिए उन्होंने मुझे बोला देवडी और गुलाल दोनों के लिए. ओके, पर उनको ये नॉलेज था कि शायद मैं सिर्फ कथक बैकग्राउंड से हूँ, पर उसके अलावा भी मैंने और कोरियोग्राफीज और तरह की कोरियोग्राफी सीखी है गोइंग फॉरवर्ड अपार्ट फ्रॉम कथक. ओके, तो वो सीखी आपने बाद में या पहले सीखी हुई थी आप, और उसके बाद फिर देवडी गुलाल और उसके बाद आगे मिक्की वायरस एंड अलग अलग तरीके के गाने जो हैं वो आपने कोरियोग्राफ किए? नहीं, कोरियोग्राफी डांस डांस जो टेक्निकल कोरियो डांस की जो नॉलेज है वो पहले से ही थी मुझे. फिल्म्स में आने के बाद, क्योंकि कोरियोग्राफर्स जो फिल्म्स में होते हैं वो गाने डायरेक्ट करते हैं, वो सिर्फ डांस तक लिमिटेड नहीं रहते, तो हम स्टेप्स भी देते हैं और गाने को पूरा डायरेक्ट भी करते हैं. तो वो जो डायरेक्शन वाली तकनीक थी वो देवडी गुलाल करते करते और उसके बाद फिर मैंने अडॉप्ट की. ओके, नामी कोरियोग्राफर्स के बीच में मानसी अपने लिए नाम कमाना और अपने आप को नोटिस करवाना उन नामी कोरियोग्राफर्स के बीच में कितना मुश्किल काम है? rjmala.com. पता नहीं, मैं तो अपना काम कर रही हूँ, काम नोटिस हो जाता है तो आप नोटिस हो जाते हो, दैट्स फाइन. लेकिन जैसे बड़े बड़े नाम हैं, सरोज खान है, फरहा खान है, गणेश हैं, बहुत सारे नाम हैं, उन नामों के बीच में एक नया नाम, और वो नया नाम ऐसा नाम जिसको कोई नहीं जानता है, और उसके लिए फिर एक मौका तो चलो मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर आगे वही मौके और अपने लिए जनरेट करना, अपने लिए अपने से रिलेटेड जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है उस तरीके के काम अपने लिए जनरेट करना और फिर वो लोगों के सामने लेके आना अपनी पूरी एक्सपर्टीज के साथ, कितना मुश्किल है? एक्चुअली मैं जब इंडस्ट्री में आई ये 2008-2009, तो उस वक्त इंडस्ट्री थोड़ी चेंज हो रही थी. ओके, तो उस दौरान काफ़ी नए लोग आ रहे थे इंडस्ट्री के, थोड़े से फिल्म्स थोड़ी सी चेंज हो रही थी हमारी नई जनरेशन के हिसाब से, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई है पिछले कुछ सालों में, उस हिसाब से सोसाइटी चेंज हुई है तो फिल्म्स भी चेंज हुई हैं. तो अब उस तरह का रियलिस्टिक फिल्म्स जिसे आप कहते हैं, या थोड़ी सी ऐसी स्टोरीज जो पहले नहीं कही जाती थी अब कही जाने लगी हैं, तो उनकी जो कोरियोग्राफीज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो नेचुरल होना चाहिए, और स्टोरी के हिसाब से जो कोरियोग्राफी होती है वो होने लगी है अब. पहले होता था कि फिल्म चल रही है, फिल्म रुकी, गाना आया, फिल्म शुरू हुई, तो गाना अलग से. अभी भी वैसी फिल्में हैं वो भी बन रही हैं, पर अब और तरह की फिल्म्स की भी एक्सेप्टेंस है जहाँ गाना स्टोरी के साथ चल रहा है, तो गाना स्टोरी का पार्ट है, तो उस तरह की फिल्में तब बन रही थी. तो आई गेस लोगों को लगा कि मैं उस तरह के गाने कर सकती हूँ, और डायरेक्टर्स को लगा, प्रोड्यूसर्स को लगा, तो क्योंकि देवडी गुलाल में उन्होंने मेरा काम देखा, फिर दिवाकर बैनर्जी, उनकी भी गाने ऐसे ही होते हैं कि स्टोरी का पार्ट है जी, तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया, उन्हें लगा कि ये गाना मैं ही कर सकती हूँ. okay. कोई और कोरियोग्राफर बुलाएंगे तो शायद सेंसिबिलिटीज की बात होती है ना, तो उस तरह की एस्थेटिक्स और सेंसिबिलिटीज शायद मैच ना हो, तो और हम लोग एक बार में मीटिंग में वी वर ऑन द सेम पेज. फिर भारत माता की जय के बाद तो फिर उस तरह के काम मिलते चले गए, उस तरह की फिल्म्स में जहाँ पार्ट है गाना स्टोरी का, डांस भी है, एंटरटेनिंग भी है, पर पार्ट है. मानसी, आपका बैकग्राउंड है कथक, कथक के बाद आप फिल्म कोरियोग्राफी की तरफ बढ़ी. अब कथक के बाद जब आपको एक ऐसा गाना ऑफर होता है जिसके लिरिक्स हैं भारत माता की जय, तो कुछ समझ नहीं आया कि ये कहाँ लिंक हो रहा है, या मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस, और उसके बावजूद फिल्म डायरेक्टर ने मानसी को अप्रोच किया कि मानसी आपको ये गाना कोरियोग्राफ करना है. कितनी मुश्किल हुई आपको ये मैनेज करने में? कहीं आपको आपको नहीं लगा कि मतलब डायरेक्टर थोड़े से रॉन्ग ट्रैक पे मानसी को चुन रहे, ये तो कोई जयपुर घराने वाला गाना ही नहीं है, या इसमें कथक नहीं है, या फोक स्टाइल नहीं है? नहीं, भारत माता की जय में फोक स्टाइल है. अच्छा, थोड़ा सा. हाँ. क्योंकि वो स्ट्रीट डांसिंग है. ओके. जो गणपति डांसिंग होती है वो सब है,
और कथक की मेरी लाइक फॉर्मल ट्रेनिंग है, पर उसके अलावा जो मैंने 8 साल जो मैंने अपना इंस्टीट्यूट डांस क्लासेस चलाए हैं उसमें मैं हर तरीके के डांसेस सिखाती थी. ओके, तो दैट वाज नॉट ओनली खाली कथक पे लिमिटेड नहीं था. तो उसमें हर तरीके के डांसेस हुए, फिल्मी गीत हुए, फोक डांस हुए, कथक हुए. तो उस वक्त मैं हर तरीके की ट्रेनिंग देती थी. ओके, तो वो ट्रेनिंग मतलब वो आसान था मेरे लिए. पर भारत माता की जो उसका एक ही ट्रिकी पार्ट था, क्योंकि भारत माता की जय सटायर है. और अगर आप उसके लिरिक्स सुनेंगे तो थोड़े टेढ़े लिरिक्स हैं. तो कि सोने की चिड़िया, डेंगू, मलेरिया, गुड़ भी है गोबर भी, फिर भी भारत माता की जय. तो उसके लिरिक्स थोड़े टेढ़े हैं, तो वो भारत के ऊपर ही सटायर है. तो एक्चुअली मुझे जो गाने मिले वो पॉलिटिकल ज़्यादा थे शुरू में. राणा जी गुलाल के गाने पॉलिटिकल थे, और भारत माता की जय भी एक पॉलिटिकल गाना था. तो क्योंकि फिल्म्स पॉलिटिकल थी, तो वो भी एक बैकग्राउंड था कि मैंने पॉलिटिकल साइंस में एक अलग डिग्री ली भी है. अच्छा, ओके. तो उसकी वजह से भी शायद उनको लगा होगा, आई डोंट नो. ओके, बट हाँ उनको लगा कि हाँ शायद सेंसिबिलिटीज की जो मैंने पहले बात करी कि सेंसिबिलिटीज मैच हुई. हाँ, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है, बस दिल में जो भी आ जाए उस वर्ड को सुन के आपको बोल देना है. सो यू रेडी? पहला प्यार. खूबसूरत. अभय देओल. थॉटफुल. बॉलीवुड डांस. फन. हंसराज कॉलेज. कोरियोग्राफी. अनुराग कश्यप. फर्स्ट ब्रेक. ओके, अब आपके साथ खालिस्तान भरो राउंड होगा मानसी. कुछ इनकम्प्लीट लाइंस में बोलूंगी जिनको आपको कंप्लीट करना होगा. रेडी? इनकम्प्लीट लाइंस को कंप्लीट करना मुझे. या अच्छा, रेडी? यस यस. मेरा दिल दिल्ली से जुड़ा हुआ है क्योंकि मैं दिल्ली में पली बड़ी हूँ. मेरी कोरियोग्राफी की खास बात है. नैरेटिव ओरिएंटेड. मुझे अपने गाने सुनो ना संगमरमर के लिए अवार्ड नहीं मिला क्योंकि क्योंकि गाना कुछ ज्यादा ही अच्छा था. जिस ख्वाब के पीछे मैं भाग रही हूँ वो है लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना. मतलब गा के नहीं, डांसिंग. किसी भी तरीके से आप आवाज पहुंचा सकते हो. तो आप एक्टिंग करने की सोच रहे हो? नहीं, नहीं. आवाज आप अपने थॉट्स किसी भी तरह पहुंचा सकते हो, डांस के थ्रू, किसी भी आर्ट फॉर्म के थ्रू. ऑलराइट मानसी, अब छोटा सा रैपिड फायर होगा आपके साथ. कुछ छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे क्रिस्प एंटरटेनिंग आंसर्स हम आपसे एक्सपेक्ट करेंगे. सो यू रेडी? रैपिड फायर. या योर फेवरेट बॉलीवुड डांसर मेल? शाहरुख खान. ओह. योर फेवरेट बॉलीवुड डांसर फीमेल? ऐश्वर्या. किस एक्टर को अब आप कोरियोग्राफ करना चाहती हैं? फरहान अख्तर. फरहान अख्तर, माई गॉड, वेरी टफ टास्क. बॉलीवुड की आपकी फेवरेट कोरियोग्राफर? वैभवी मर्चेंट. जिस एक्टर के साथ आप ऑन स्क्रीन एक आइटम सॉन्ग करना चाहेंगी? कोरियोग्राफी ना. नहीं क्या मतलब, आप आइटम गर्ल होंगी और वो आपके साथ होंगी. आइटम सॉन्ग. हाँ, और मैं आइटम गर्ल होंगी. हाँ, सब एक्टर्स के लिए. बड़ा मचलता आंसर दिया आपने. पहला क्रश आपकी लाइफ का कब हुआ और किस पर हुआ? स्कूल में हुआ था, 10th स्टैंडर्ड. कौन था लड़का? नहीं, मम्मी को नहीं बताएंगे? नहीं, मम्मी को पता है. अच्छा. नहीं, हमारे घर में हम सब बता देते हैं. ओके. लड़के को बताया था? या वो क्रश वही वन साइडेड ही रह के खत्म हो गया? rjmala.com. पता होगा मतलब? नहीं बताया. नहीं नहीं, पता है, पता है. अच्छा, फिर आगे बात. शादी होगी उनकी, अब आप क्या, बच्चे बच्चे हो गए अब उनके. माय गॉड. तो इसी पर एक सवाल बनता है, आप शादी कब कर रहे हो? मैं शादी कब कर रही हूँ? पता नहीं, देखते हैं, जब होनी होगी हो जाएगी. मम्मी पापा की मर्जी से? अपनी मर्जी से. अपनी मर्जी से, पर हाँ उनकी मर्जी, उनकी हाँ रजामंदी जरूरी है. ओके,
आप किस बॉलीवुड एक्टर को डेट करना चाहेंगे जिसके बाद फिर आप सोचेंगे कि इसी से कर लेती हूँ शादी, ठीक ठाक ही है? नहीं, एक्चुअली मैं किसी एक्टर को डेट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आई कीप इट वेरी प्रोफेशनल दैट वे. ओके, आपकी अभी तक की बेस्ट कोरियोग्राफी? अभी तक की बेस्ट कोरियोग्राफी सारी बेस्ट है. ओके, आपकी अभी तक की वर्स्ट कोरियोग्राफी? Now don't tell me sorry worst. Okay. Choreography ke alawa aapke dusre interests kya hain? Poetry. I paint also. I write poetry. Uske alawa main direction mein jana chahti hu. Okay. Aapko kya lagta hai? Who's the worst dancer? Abhay Deol ya Sushant Singh Rajput? Worst dancer. In dono mein se zyada. एक्चुअली अभय देओल ट्रेन डांसर नहीं है, सुशांत ट्रेन डांसर है. ओके, सुशांत ने पूरी शामिल डावर की ट्रेनिंग ले रखी है. तो फिर आप ट्रेन डांसर को और नॉन ट्रेन डांसर को आप कंपेयर नहीं कर सकते. पर अभय देओल नेचुरल, ही डांसेस नेचुरली. वो पंजाबी डांस करते हैं? नहीं, अभय देओल बेली डांसिंग करते हैं बहुत अच्छी. और मैंने यूज भी करा था उनके उस बेली डांसिंग के शौक को. इनके मजाक था, सच था? सच है वो. ओके, शौक क्या करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं. अच्छा, ओके, बेली चेक करनी पड़ेगी. अच्छा, हु इज द बेटर डांसर, जैकी भगनानी या फिर इमरान हाशमी? कैसा सवाल है. जैकी भगनानी या इमरान हाशमी? उसमें भी जैकी ने ट्रेनिंग ले रखी है डांस की. तो जैकी इज अ डांसर, बट ही नोज हाउ टू डू हिप हॉप एंड एवरीथिंग. एंड इमरान इज अ सीरियल किसर. तो कंपैरिजन नहीं है यहाँ पर भी. यहाँ पर भी कंपैरिजन नहीं है. एक्चुअली मैं बिलीव करती हूँ कि एक्टर्स आर नॉट डांसर्स. तो उनको डांस आना चाहिए, थोड़ा सा रिदम की सेंस होनी चाहिए जो सब एक्टर्स में होती है. पर उनका बेसिक टास्क है एक्टिंग, डांस को एक्टिंग की तरह करना रादर देन डांस डांस, क्योंकि उसके लिए डांसर्स हैं. तो दे आर नॉट सपोज टू बी डांसर्स. तो अगर आप बाहर की फिल्में भी लें, जैसे ब्लैक सोन है, तो वहाँ नतालिया पोर्टमैन डांसर नहीं है, पर वो फिल्म बैले डांसर के ऊपर है. तो लाला लैंड अभी आप लें, तो दोनों डांसर्स नहीं हैं, पर दे हैव टू पोर्ट्रे देमसेल्व्स कि हम डांसर हैं, जबकि वो डांस बेस्ड फिल्म है. यहाँ तो वो डांस बेस्ड फिल्म ही नहीं कर रहे हैं जी. तो उनका काम है कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना. तो वो कैरेक्टर कैसे डांस करेगा, वैसे डांस करना, रादर देन ये, रादर देन शो कि हमारे डांसिंग स्किल्स क्या हैं. तो मैं भी उसी पे ही ज्यादा काम करती हूँ, कैरेक्टर को पकड़ के रादर देन स्टेप्स को पकड़ के. स्टेप्स कैरेक्टर के हिसाब से दिए जाते हैं. ओके, सो यू बिलीव कि जैकी भगनानी इज अ बेटर डांसर क्योंकि वो ट्रेन्ड है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है. हाँ, मतलब उन्होंने ट्रेनिंग ली है तो उनको डांस करना बेटर आता है. ओके, मानसी जाना चाहेंगे आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में. वैसे अभी जो पिछली आपने जितनी भी फिल्में की हैं एक के बाद एक, मतलब काफ़ी अच्छी फिल्में, गाने आपके काफ़ी अच्छे, काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, कोरियोग्राफी आपकी बहुत स्ट्रांग रही. अब आने वाले समय में लोग आपको और कौन सी फिल्मों की कोरियोग्राफी करते हुए या और किस जगह पर आपको देखेंगे? अभी एक दो फिल्म्स की बात चल रही है, तो देखते हैं उसका क्या होता है. अभी तो मैं ज़्यादा बता नहीं सकती हूँ. मैं खुद एक डांस बेस्ड फिल्म बनाना चाहती हूँ. ओके, तो उसके ऊपर भी काम चल रहा है. ओके, सो मतलब इन फ्यूचर ये है कि कोरियोग्राफर, एज अ कोरियोग्राफर तो है ही आपके पाइपलाइन में काम करना, बट एज अ फिल्म डायरेक्टर भी बहुत जल्द हो सकता है हम आपको देखें कोई फिल्म डायरेक्ट करते हुए. That's cool. मानसी, इस समय ऐसे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं जो आपकी तरह परफॉर्मर्स हैं, कथक डांस सीखे हुए हैं, या नॉट ओनली कथक और दूसरे डांस फॉर्म्स, ओडिसी, भरतनाट्यम और दूसरे डांस फॉर्म्स सीखे हैं, बॉलीवुड डांसिंग या बॉलीवुड कोरियोग्राफी में है. अगर वो ये चाहें कि किसी तरह उनको बॉलीवुड का ब्रेक मिले या वो बॉलीवुड में एज अ कोरियोग्राफर काम करना चाहें, तो आपकी तरफ से क्या नसीहत होगी उनको कि किन चीज़ों को, किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए वो बॉलीवुड की तरफ कदम बढ़ाएँ और किन चीज़ों से बचें?
आपकी तरफ से क्या एक एडवाइस रहेगी, क्योंकि आप यंग जनरेशन को का प्रतिनिधित्व करती हैं, आप एक यंग कोरियोग्राफर हैं, आपके जैसे सपने लेके बहुत सारे लोग और चाहेंगे इंडस्ट्री में घुसना, आपकी तरफ से उनको क्या नसीहत होगी? मेरी नसीहत यही है कि आप अपने आर्ट पे काम करते रहिए, कोई भी फॉर्म आपने सीखा है कोई एक फॉर्म पकड़ के चलिए, कोई भी फॉर्म हो सकता है, स्ट्रीट, हिप हॉप, कॉन्टेम्प्रेरी, क्लासिकल, फोक, और उसकी इंट्रिकेसीज को सीखिए, उसके बाद अगर आप आएंगे और बाकी चीज़ें करना चाहेंगे तो आसान हो जाएंगे आपके लिए, और अपने ऊपर काम करते रहिए, वो अपना रियाज और अपने ऊपर काम करना मत छोड़िए कभी भी। और बॉलीवुड में अगर आपको काम करने से, बॉलीवुड में कई बार ये लोग घुसते हुए डरते भी हैं कि यार बॉलीवुड में ये मत करना या बॉलीवुड में ये ज़रूर करना, तो उस तरह की कुछ आपकी तरफ से कोई टिप उनके लिए? बॉलीवुड का एक्चुअली कोई फिक्स्ड फार्मूला नहीं है, तो ऐसा मैं कोई फार्मूला नहीं दे सकती, पर हाँ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने टैलेंट पर भरोसा रखिए, और उसी के बलबूते पर ही आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा भी होता है कि बॉलीवुड में स्ट्रगल करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए और हो सकता है आप निराश हो जाओ। एक मुझे लगता है कि आप थोड़ा, ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप अपने आप को पहचान पाते हैं, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है, तो अगर आप यहाँ आके अपने आप को पहचान सके कि आप क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो आप काफ़ी आगे जा सकते हैं। ओके, मानसी, आपने बहुत सारे एक्टर्स को कोरियोग्राफ किया है, किन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका बहुत ही मतलब मेमोरेबल एक्सपीरियंस और मज़ा ही आ गया, ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट था वो? मेमोरेबल एक्सपीरियंस काफ़ी सारे हैं वैसे। मुझे माही को राणा जी में कोरियोग्राफ करने में बहुत मज़ा आया। नहीं, मैं एक्ट्रेस की बात नहीं कर रही, एक्टर के साथ। एक्टर्स के साथ काय पोछे करते हुए मुझे बहुत मज़ा आया। भारत माता की जय में भी इमरान हाशमी काफ़ी प्रोफेशनल हैं वो, और काफ़ी सिंसियर भी हैं। मतलब रिहर्सल्स के टाइम पे ही वॉज डॉट ऑन टाइम, तो जो मैंने इतनी सिंसियरिटी, इतना पंक्चुअलिटी कम ही देखा है एक्टर्स में। तो दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग एंड ही वॉज वेरी डेडिकेटेड। तो फिर जब सब लोग प्रोफेशनल होते हैं तो काम अच्छा निकलता है, तो वो करने में बहुत मज़ा आया। सुनोना संगे मरमर कोरियोग्राफ करने में बहुत मज़ा आया। फिर गिप्पी का जो गाना है उसमें सारे बच्चे थे। तो वो, और वो भी छोटे बच्चे नहीं, मतलब 13-14 साल के, जो टीनेज, वो एक कमिंग ऑफ एज फिल्म है, तो वो टीनेजर्स जो बच्चे थे सारे, उनको कोरियोग्राफ करने में बहुत मज़ा आया। क्योंकि उनकी अपनी एक इनोसेंस थी गाने के अंदर, वो अपनी कुछ कुछ कैरेक्टराइजेशन थी उनकी, अपनी हरकतें थी, तो वो सब कैप्चर करने में और उसको ताने बाने बांधने में मुझे काफी मजा आया। और कोई ऐसा एक्सपीरियंस को सेट में कि बहुत सेट पे बहुत मजा करते थे और खूब हंसी मजाक चल रहा है, खूब एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, इस तरह से फ्री होके जब कौन सी फिल्म के सेट पर आपको मजा आया? एक्चुअली जब गाने कोरियोग्राफ होता है ना, तो सब लोग ज़्यादा गाने में मस्ती दिखती है, पर जब एक्चुअली गाना हो रहा होता है तो बहुत सीरियसनेस से हो रहा होता है। और गाने का पीरियड बहुत कम होता है। जैसे मैं अगर किसी फिल्म में गाने करने के लिए जाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन का शूट होगा। तो उस दौरान ही आप मिलते हैं, काम करते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, तो हाँ, वो प्रोसेस ही अपने आप में एंटरटेनिंग होता है। तो क्योंकि गाने के अंदर डांस करने में इतनी एनर्जी लग जाती है कि बचते नहीं है, बचता नहीं है कि और कोई प्रैंक सोचे, कोई ऐसा सोचे, पर उसके बाद तो ये लगता होगा कोई ग्लूकोज चढ़ा दे। मानसी, आपने हमें इतना टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।